खाने की मेज पर ना आकर क्या साबित करना चाह रही थी? घर वालों के सामने मुझे मुजरिम दिखाना चाहती हो। मुझे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। पता है मुझे, तो फिर आइंदा ना करना। खुद को भूखा रख के अपने आप को टॉर्चर देने की जरूरत नहीं है तुम्हें। नहीं, भूख नहीं थी मुझे। फिर भी खाने की मेज पे आना चाहिए था तुम्हें, क्योंकि जो बहुत मोहब्बत से तुम्हें इस घर में लेके आए हैं वो इंतजार कर रही थी तुम्हारा। कभी कभी इंसान इतना शर्मिंदा होता है कि किसी को फेस नहीं कर सकता। तुम शर्मिंदा हो रही, शर्मिंदा तो मैं होता अगर तुम्हें इस बात पे कन्फ्रंट ना करता। एक रिक्वेस्ट थी मेरी आपसे। जैसे आपने अपनी बेटी की खातिर शादी की है, मैंने अपने माँ बाप के लिए की। क्यों, ऐसी क्या मजबूरी थी? आई मीन, अच्छी वाली सेटल तो थी, वहां पर जॉब भी थी तुम्हारे पास। ऐसा क्या हुआ कि मजबूरी में शादी करनी पड़ी? नहीं, मुझे शादी करनी ही नहीं थी। एक तो आजकल ये भी बड़ा ट्रेंड चला है, शादी नहीं करनी। मायला के साथ जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से बाबा और अम्मी बहुत परेशान रहने लगे थे। यही सोच के मैंने शादी कर ली कि वो अपनी एक औलाद की खुशी तो देख सके। आज मैं घर नहीं गई। अकेले मुझे देखते तो परेशान हो जाते। तो मैं सोच रही थी अगर कल आप मेरे साथ चलते। ठीक है, कल खाने पे चलेंगे तुम्हारे घर। थैंक यू सो मच। एक और बात। अब क्या है? ये अंदाज लेके उनके सामने मत आइए। ठीक है, कोशिश करूंगा कि उनके सामने खुश नजर आऊं। मैं भी। यू नो व्हाट, तुम्हारा शादी ना करने का फैसला बिल्कुल ठीक था, क्योंकि कोई भी मर्द इस तरह की जुबान के साथ नहीं रह सकता। जिन्होंने छोड़ना होता ना, गुंगियों को भी छोड़ देते हैं, और जिन्होंने रहना होता वो किसी हाल में भी रह लेते हैं। इतना वोकल कौन होता है यार, कौन होता है? हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। अब कुछ ना बोलना, कुछ ना बोलना। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.